आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी ओर से कैप्टन सरकार द्वारा किए गए झूठे वायदों के मुद्दे को उठाया गया और रोष प्रकट किया गया। और साथ ही इस बैठक में पार्टी की ओर से नियुक्तियां भी की गई और इस संबंध में जानकारी देते हुए ठाकुर मनोहर और अमरजीत सिंह ने बताया, साडे पठानकोट शहर च लीडरशिप दी गई है, जिहड़े नवे लीडर अपॉइंट होया उन्हां नूं सम्मानित किया गया और सब तो वड्डा अपने दिल्ली तो लीडरशिप पंजाब की लीडरशिप का अं धन्यवाद करने हैं। पंजाब से जिन्हें भी अहदे दिते ने लीडरशिप नूं काबल ने सारे, जिहड़े कि लीडरशिप पंजाब लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप दी गई है उन्हों का भी अं धन्यवाद करते हैं। तो सेंटर अपना पंजाब की लीडरशिप दिल्ली आने का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही वधिया जी सिलेक्शन हुई है लीडरशिप। अज बहुत दिन भागा वाला खास करके पठानकोट वास्ते कि पंजाब हाईकमान ने, क्योंकि जिहड़ा आपां जिला कहिंदे सी पठानकोट का बहुत पिछड़िया होया जिला और स्टेट दे विच इत्थों नाम मात्र सी अहुदेदार और पार्टी हाईकमान ने मानयोग केजरीवाल साहब ने और भगवंत मान जी जो स्टेट के प्रधान है उन्हां दा बहुत बहुत अज धन्यवाद करते हैं। जरनैल सिंह जी, सरदार जरनैल सिंह जी प्रभारी पंजाब, जिन्हां ने पठानकोट नूं अज जो पंज दरियावां की धरती है और स्टेट लैवल ते कई अहुदेदार दे के नवाजिया, असीं अपने मैं अपने वालों समुची टीम वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी 2022 दियां जो इलैक्शन लगभग 6-7 महीने के बाद आ रही पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते आम आदमी पार्टी का आधार बन चुका, वर्करां नूं वलंटियर नूं हर तरह का पिंडां दे विच जाके पार्टी नूं गांह वधाना चाहिए, जिन्हें जिम्मेवार साथियों नूं अहुदेदार अहुदेदारियां मिलियां और मैं आस करना सारी जिम्मेवारी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के 2022 दे विच आम आदमी पार्टी नूं तिन्ने हल्के जिता के विधानसभा के अंदर जितों भी MLA नूं जिन्हों भी टिकट मिलती है जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।